सारिफ को किसने हवा किया होगा? इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता किसने किया है, बट अल्लाह खैर करे। मैं अपने अकाउंट पे वीडियो लगाती हूँ, शायद पुलिस उसको पहचान ले, हमें उस तक पहुँचा दे। गुड आइडिया, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप सोच लो कि बोलना क्या है। सोचने का टाइम नहीं है, मैं तैयार। एंड क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिश्तिना है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक इल्तिजा लेकर आई हूँ। एक छोटा सा बच्चा है सारिफ, उसकी उम्र 7 साल से भी कम है। कल शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान उसके घर के बाहर से किसी ने उसे अगवा कर लिया। मैं इस वक्त उसके घर पे मौजूद हूँ। उसकी माँ की हालत काबिल रहम है, वो अपने बच्चे के बगैर पागल हो गई हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, उनका घर उजड़ गया है। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करें उनका घर दोबारा आबाद करने में। मैं सारिफ की वीडियोस, बहुत सारी फ़ोटोज़, सब चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग उसको जितना हो सके आगे शेयर करें, हो सकता है आप में से कोई हमारी मदद कर सके सारिफ को वापस लाने में। मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी ज़रूरी वीडियो है। प्लीज़ आप लोगों ने शेयर करनी है ये वीडियो, प्लीज़ सारिफ के लिए, उसकी अम्मी के लिए। संभालो अपने आप को आप रिश्तिना, अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो सारिफ की अम्मा का क्या होगा? कोई इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे अगवा कर सकता है? बिजनेस है यहाँ पे, कुछ तावान के लिए उठा लेते हैं, कुछ बैरूनी मुल्क स्मगल करने के लिए, और कुछ से भीख मंगवाते हैं। इट्स टेरिबल। सारिफ मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह मिल जाएगा। इस वक्त सारिफ की अम्मा को तुम्हारी सख्त जरूरत है, प्लीज। आज एक शेर की आमद हुई, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये ड्रामों और डाइजेस्ट के हीरो और आइडियल कहाँ मर जाते हैं जब मेरे जैसी लड़की को उनकी जरूरत होती है। मैंने तो तुम्हारी तरह कोई लंबा चौड़ा आइडियल भी नहीं बनाया हुआ, बस लड़का बाहर सेटल हो, इतना काफी है मेरे लिए। एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।